चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आज पूरा देश जिस बात का इंतजार कर रहा था, लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से तीन तीन बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। आज पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश खुश है, इस बात से प्रफुल्लित है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के अंदर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुर्बानी के दम पर जो संविधान मिला, लोकतंत्र के जो अलग अलग स्तंभ बने, आज भी इस तानाशाही के अंधकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी FIR के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। मैं पूरे दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर हम सबने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से, ये और मजबूत होगा। पूरा देश मिल करके इस लड़ाई को लड़ेगा और इस देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को बचा करके इस देश को और मजबूत करेगा। तो मैं पुनः सभी लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए।